सो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो आप लोग देख सकते हो मार्केट जो ओपन हो चुका है। ओके, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही यहाँ पे जो काफी बढ़िया सा यहाँ पे जो गैप डाउन का ओपन हुआ। अभी देखो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो व्यू है वो तो मेरा अपसाइड का है, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये दे सकता है बैंक निफ्टी ने। अगर आप लोग कल का चार्ट देखोगे तो कल तो यहाँ पे मार्केट ने सेम हुआ था, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया या फिर यहाँ से आप लोग बोल सकते हो 47,500 से रेजिस्टेंस लिया, कॉन्सोलिडेट किया, सेलर को यहाँ पे इन्वाइट किया, देन मार्केट जो है अपर साइड निकल गया। ओके, और ये सेम चीज जो है आज भी होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। अगर आप लोग देखोगे तो नीचे उतना ज्यादा कोई हेवी स्टॉप लॉसेस वगैरह नहीं है, सारा स्टॉप लॉसेस जो है अपर साइड ही अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो है लास्ट टाइम आके काफी सारा बायर को एकोमोडेट कर लिया था। और अभी जो है अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने कल की तरह ही दिखा रहा है, कल की तरह यहाँ पे जो है डे लो को ब्रेक कर रहा है। ओके, और ऊपर साइड एसएल वगैरह अवेलेबल है, बट यहीं पे अगर आप लोग देखोगे तो यहीं पे अगर मार्केट ऐसे ऊपर चला जाएगा तो चार्ट रिपीट हो जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे जो है हम लोग का ट्रेड बन जाना चाहिए था, बट यहाँ पे चार्ट रिपीट हो जाएगा इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। देखते हैं क्या होता है, अगर कोई बढ़िया सा चीज मिलेगा तो अभी इसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके, तो अभी वेट करते हैं। तो ट्रेडर, अगर आप लोग देखोगे तो पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मेरा व्यू है वो जो है अपसाइड का है, बट जो मार्केट का कंडीशन था, मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो है कंसोलिडेट वगैरह कर रहा था, तो अपसाइड के लिए मेरे को मतलब उतना ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। दैट्स वाई आज मैंने यहाँ पे जो है कोई भी ट्रेड नहीं किया, बट पहले मेरा जो एनालिसिस था दैट वॉज टू प्रिटी गुड। अगर आप लोग देखोगे तो एकदम बढ़िया सा यहाँ पे जो है मार्केट ने अपसाइड को मोमेंटम किया, बट यहाँ पे मैंने क्यों अपसाइड का ट्रेड प्रेफर नहीं किया, उसका एक ही वजह है कि अगर मार्केट इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पे जो है चार्ट रिपीट होगा, और मार्केट के अंदर चार्ट रिपीट बहुत ही कम होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जो मेन होता है एनालिसिस करना, कि आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट किधर जाएगा, और वो मैंने बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। ट्रेड नहीं किया वो एक अलग बात है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्यों मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पे जो अपसाइड जाने वाला है, सबसे पहली चीज तो मार्केट, अगर आप लोग निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा था, निफ्टी सबसे पहली चीज तो निफ्टी यहाँ पे प्रीवियस डे जो लो है वहां से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा था, एक लो बनाया, उसका भी लो ब्रेक किया। ये मेन चीज है मार्केट निफ्टी ने क्या किया, एक लो बनाया, उस लो को ब्रेक किया, और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस का नीचे नीचे काफी कॉन्सोलिडेट कर रहा था। इट मीन्स यहाँ पे जो है सेलर अट्रैक्ट हो रहे थे। ये है निफ्टी के बाद, और बैंक निफ्टी के बाद अगर करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे वही चीज है, बैंक निफ्टी मतलब यहाँ से थोड़ा सा नीचे ही कर रहा था, और नीचे कोई स्टॉप लॉसेस वगैरह अवेलेबल नहीं था। पिछले दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ था, हर कोई बस यहाँ पे जो है बाइंग करके चला गया था, उनका स्टॉप लॉस जो है मार्केट को नीचे मिल गया, मार्केट नीचे आया। उसके बाद मार्केट के अंदर नीचे अगर मार्केट जाना भी चाहता है तो कोई भी एसएल वगैरह नहीं अवेलेबल था, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है मार्केट ने जो है अपर साइड का मोमेंटम कर दिया। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी का जो कंसोलिडेशन वाला जो बिहेवियर था वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। ओके, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है जल्दी में ट्रेड नहीं प्लेस किया, क्योंकि अगर जहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है वहां पे मैं चाहूँ बोलने को, तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि मेरा जो एनालिसिस है वो अपसाइड का है, बट ट्रेड लेने के लिए और भी काफी सारी फैक्टर देखा जाता है, और एक कॉन्फिडेंस मेन चीज होता है। अगर यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो यहाँ पे मैं नहीं लूंगा। यही ट्रेडिंग का मेन चीज है कि जहाँ पे आपको विश्वास हो रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं ले सकता हूँ वहीं पे ट्रेड लो। अगर आपको यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रहा है तो मत लो, जाने दो। ओके, मार्केट चला नहीं जा रहा है, मार्केट कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। ठीक है, आप कभी भी आके पैसे बना सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आई होप आज का ट्रेड आपको काफी अच्छा लगा होगा। सॉरी, कोई भी तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया, आई थिंक आज का वीडियो से आपको काफी सारी चीज नॉलेज आपको आया होगा कि मार्केट को कैसे देखते हैं, मार्केट में कैसे खुद को कंट्रोल करते हैं, खुद का इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आज के लिए वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।